हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सर ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, कैश फ्लोस कैसे है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे, साथ ही में एनुअली बेसिस पे कैसा परफॉर्म करिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो भी हम आपको बताएंगे और शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सार ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये कंपनी 1987 में बनी थी, जिसका करंट चेयरमैन है रमेश डी विरानी और उसने ही बनाई है। ये राजकोट गुजरात में है, मतलब वहाँ से ये स्टार्ट हुई है ये कंपनी। ये मेनली बनाती है ऑटो कॉम्पोनेंट्स जो व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि गियर्स, ट्रांसमिशन के लिए, फिर डिफरेंशियल और इंजन्स जो होते हैं वो चीज़ें बनाते हैं। और ये कंपनी रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन में भी इंगेज्ड है। ओके, अगर मार्केट कैप की बात करें तो ये 362 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस ट्रेनिंग 299 है। इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो काफ़ी महंगे प्राइस पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है, जिसकी बुक वैल्यू भी 33.2 है, बट करंट प्राइस अगर आप देखोगे तो 760। तो प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में भी अगर आप देख लो, मतलब जितनी अर्निंग कर रही है उसे काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे शेयर ट्रेड हो रहा है, और बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे शेयर ट्रेड हो रहा है। एक महंगे वैल्यूएशन पे ये प्राइस आपको मिल रहा है, जिसके ROC और ROE भी इतने अट्रैक्टिव नहीं है। अगर रिटर्न्स हम देखें तो 5.41% का रिटर्न, कैपिटल पे इतना रिटर्न है, और इक्विटी पे 6.11% का रिटर्न है। डेट हालांकि कंपनी के पास ज़्यादा नहीं है, 3.57 करोड़ का डेट ही है। ओके, बट यही मेन चीज़ है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे प्राइस पे ये शेयर इसका मिल रहा है। अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 10 करोड़ 15 लाख का, 2020 में 7 करोड़ 11 हो गया, देन 6 करोड़ 64 लाख कोरोना के टाइम, 2022 में फिर से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा और 11 करोड़ 19 लाख का हुआ। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इस बार 2022 में अच्छी खासी बढ़ी है, 1 करोड़ 30 लाख, अच्छी खासी, मतलब जब पहले के कंपैरिजन में कंपनी ने अगर हम देखें तो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है पिछले 4 साल के कंपैरिजन, बट जिस हिसाब से कंपनी कब से बनी हुई है उस टाइम पीरियड से अगर हम देखें तो हालांकि अभी भी काफ़ी कंपनी के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। रिजल्ट्स भी अगर हम क्वार्टरली वाइज देखें तो सेल्स अगर हम देखें तो 2019 में कंपनी की सेल्स थी 1 करोड़ 63 लाख, और इसी तरह कंपनी की सेल्स है, मतलब पिछले 2 साल में जब कोरोना का टाइम था तब तो कंपनी की सेल्स क्वार्टरली वाइज 1.5 करोड़ के लगभग हुआ करती थी, और अभी 2 करोड़ 2.5 करोड़ के लगभग हो गई है, जो अभी सितंबर में सबसे ज़्यादा सेल्स, अगर इतने सारे क्वार्टर्स में देखें तो सबसे ज़्यादा सेल्स यहाँ पर 3 करोड़ 19 लाख ये सितंबर के क्वार्टर में आया है। बट हालांकि अगर यहाँ पर भी हम देखें तो 5 करोड़ मोटा मोटी अगर हम देखें तो 5 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और नेक्स्ट 2 क्वार्टर भी अगर हम देखें तो 5 करोड़ जितना अगर करती तो भी 10 करोड़ जितने का रेवेन्यू ही होगा यहाँ पर, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 11 करोड़ ले ले तो पहले के 2022 जितना ही कंपनी ये बार भी रेवेन्यू कर रही है। प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ या 1.5 करोड़ जितना ओवरऑल ईयरली बेसिस का अगर हम देखें तो इतना प्रॉफिट ये साल भी कर पाएगी। और अगर कोरोना यहाँ पर, जैसे कि अभी न्यूज़ आने लग चुकी कोरोना की, तो अगर यहाँ पर कोरोना इम्पेक्ट करता है तो यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी का फिर से रिड्यूस होने के पूरे चांसेस है यहाँ पर। ओके, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये ही एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है, प्रमोटर के पास अच्छे खासे शेयर्स है इस कंपनी के। 74.47% के जो शेयर्स थे वो अभी यहाँ पर थोड़े से रिड्यूस हुए थे जून 2022 तक 74.01, और अभी फिर से, और 74.01 हुआ और अभी सितंबर में 72.27% हो गए। तो यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा स्टेक यहाँ पर निकाला जा रहा है, बट ओवरऑल अगर अभी भी देखें तो अच्छा खासा स्टेक है प्रमोटर्स के पास।
डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स देखें तो 4.63% का स्टेक है उनके पास, और पब्लिक के पास है यहाँ पर 23.11% का स्टेक. तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखी जाए तो काफ़ी बढ़िया है. कैश फ्लोज की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से यहाँ पर कैश जनरेट हो रहा है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कैश जनरेट हो रहा है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पर -2.57 है. एट लास्ट अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो अगर आप इसका चार्ट देखें तो 2021 से ये शेयर मतलब इसका ग्राफ अगर हम देखें तो सिर्फ ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है, जबकि इतना कुछ खास लगा नहीं है इस कंपनी में कि इसका जो शेयर प्राइस है वो इतना भागना चाहिए. सार ऑटो प्रोडक्ट्स का अगर हम देखें तो 760 रुपीज़ था इसका 2000 ये फ्राइडे, और हाई अगर हम देखें तो 775 है. तो ये अपने हाई के तो काफ़ी पास में ट्रेड हो रहा है, और हाई भी शायद अभी इसने बनाया होगा. तो ये शेयर अच्छा खासा भाग रहा है, और अभी जिस तरह से फिर से कोरोना की जो बातें हैं, फिर से कोरोना इम्पेक्ट कर रहा है, करने वाला है, न्यूज़ अभी से आने लग चुकी है, और जिस तरह से ये शेयर भागा है तो चांसेस है इस शेयर के गिरने में. ठीक है, तो अगर आपको अभी इसमें निवेश करना है तो मैं आपको ना बोलूँगी कि आपको इस शेयर में अभी निवेश नहीं करना चाहिए. आई होप आपको सार ऑटो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.